हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? हाय, सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैक्सिम बच्चे पूछ रहे थे कि सर CSEB JEE का एग्जाम्स कब होगा, क्योंकि बेटा जैसे कि हम मेरे कहीं दोस्त उसमें CG व्यापम के अंदर वर्क करते हैं, तो उनसे मेरे को जानकारी मिली कि जैसे कि आपके पास CG व्यापम पहले आपका पेपर कंडक्ट करा रहा था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कसम कसी चल रहा है कि आपका CSEB भी दोबारा आपका एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस चेंज होगा, जो सिलेबस आपका CG व्यापम ने निकाला है उसी सिलेबस पर आपका पेपर होगा, लेकिन दोनों के बीच में ये चीज़ें चल रही है। वहाँ पे जो देखने को मिली, जो मैं वहाँ पे अंडरग्राउंड पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वहाँ पे जो बातें चल रही है कि जो पेपर आपका CG व्यापम कंडक्ट करा रहता है उस पेपर को वापस CSEB भी कंडक्ट करा सकता है। सिलेबस आपका सेम ही रहेगा, सब कुछ आपका सेम ही रहेगा, तो थोड़ा सा पेपर आपका मान के चलिएगा कि आपका फरवरी या मार्च में भी जा सकता है। तो आप इस चीज़ में परेशान मत होइएगा, अपनी प्रिपरेशंस करते रहिएगा। जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी धनुष बैच के अंदर एनरोलमेंट हुए हैं, तो बेटा आप फटाफट करने की कोशिश मत करिएगा कि आप जल्दी से कोर्स को कंप्लीट कर लो कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस जल्दबाजी में माफ मत फंसिएगा। जैसा हमने बोला है कि डेली के आपको 5 वीडियो करना है, जो नए बच्चे हैं उनको 5 वीडियो ही करना है, तो 5 वीडियो ही करिएगा, और जो पुराने बच्चे हैं वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके, और टेस्ट लगाते रहिएगा और डेली के डेली एनालिसिस करते रहिएगा। तो अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से करना है, घबराना नहीं है, ओके। पेपर आपका थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि सरकार चेंज होने की वजह से, ओके। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी है, और जो भी आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। और जिन बच्चों को अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है, डेफिनेटली आप मास्टर प्लस एजुकेशन का एप्लीकेशन स्टोर कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक भी है, वहां से आप तैयारी कर सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए भेजा, ओके, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।